फराटा चौक बम धमाके के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस धमाके में तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान के वालिद इंतकाल कर गए हैं। खुर्रम शेर जमान ने इस बात की तस्दीक कर दी है, कहते हैं कि आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान इस धमाके में जान बहक हो गए हैं। कराची में शेरशाह फराटा चौक के करीब बैंक की इमारत में धमाका हुआ है और इस धमाके में तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान के वालिद इंतकाल कर गए हैं और खुर्रम शेर जमान ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। उनका कहना है कि आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान धमाके में जान बहक हो गए हैं। इस धमाके में 12 अफराद अब तक जान बहक हो चुके हैं, जिनमें से 6 की शनाख्त की जा चुकी है। तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान के वालिद हैं जो कि इस धमाके में इंतकाल कर गए हैं। खुर्रम शेर जमान ने इसकी तस्दीक कर दी है। आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान इस धमाके में जान बहक हो चुके हैं। इस धमाके में 12 अफराद जान बहक हुए हैं और तकरीबन 11 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कराची में शेरशाह फराटा चौक के करीब बैंक है जिसकी इमारत में धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 12 अफराद जान बहक और 11 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों की जो हालत है उनमें से मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और आपको बताएं कि इस धमाके में तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान के वालिद इंतकाल कर गए हैं। आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान इस धमाके में जान बहक हो चुके हैं और खुर्रम शेर जमान ने इस खबर की तस्दीक की है कि आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान धमाके में जान बहक हो चुके हैं। कराची में शेरशाह फराटा चौक के करीब बैंक की इमारत में धमाका हुआ है और 12 अफराद जान बहक जबकि 11 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और धमाका हुआ जिसके नतीजे में एक इमदादी कारकुन जख्मी हो गया। तिब्बी इमदाद उसको फराहम की जा रही है और जाय हादसा पर जो है शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। लोगों में खौफ और हरास पाया जा रहा है और बम डिस्पोजल स्क्वाड है जो कि धमाके की नौयत का तायुन लगा रहा है। ताहल अभी तक जो धमाके की नौयत है उसका मालूम नहीं हो सका है और आपको खबर दे रहे हैं कि इसी धमाके में जान बहक जो हुए हैं तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान के वालिद हैं जो कि इंतकाल कर गए हैं। खुर्रम शेर जमान ने इस बात की तस्दीक कर दी है।